इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में गैंग ऑफ हाईवे रॉबर्स ने रॉबरी के बाद एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर रेप किया है। ये वारदात बुलंदशहर के जहांगीर बाग के पास NH 91 पर हुआ है। पीड़िता अपने भाई के साथ घर वापस जा रही थी जब उसके साथ ये घिनौनी वारदात हुई है। जी प्रियांक जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जानकारी लेकर। प्रियांक, और क्या बता सकते हैं आप हमें इस बारे में? जी देखिए, घटना रविवार की देर शाम हुई जब पीड़िता अपने भाई के साथ एक शादी के फंक्शन से वापस अपने घर जा रही थी। उनके बयान के मुताबिक गाड़ी में सवार चार लोग आए और उन्हें उनकी मोटर बाइक को टक्कर मारी। उसके बाद जैसे ही वो लोग गिरे, लड़की को वहां से अबडक्ट कर लिया गया और तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद जो पीड़िता थी उसे एक स्कूल से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरी मामले में कह रही है कि दो लोग की को हिरासत में लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले में किसी भी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जैसे हम पहले ही देख के आए हैं हाईवे हॉरर, जैसे हम कहते थे कि हाईवे पे चलने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाना काफी ज्यादा आम हो चुका था। एक बार फिर से इस जघन्य घटना को देख करके लगता है कि पुलिस को और भी मुस्तैद होने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस का क्लेम है कि दो लोग को हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी पे भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। जी प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। उनकी गांव से 3 किलोमीटर दूर में एक ऐसे उधर एक स्कूल है, उसी स्कूल में मॉर्निंग उधर कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, वो लोग देख करके पुलिस का बताया। इमीडिएटली पुलिस जा करके रिकवर करके इमीडिएटली उनका परिवार का बताया, परिवार के साथ ही इधर हॉस्पिटल में लेके आया। मैं अभी बात कर दिया, अभी भी वो बेहोश टाइप में है, ज़्यादा बोलने में नहीं है। डॉक्टर बताया उनका समय दे दिए, कुछ इलाज चल रहा है। वो दोनों कस्टडी में है, कोई अरेस्टेड नहीं है ना अभी, इनके पूरा बोलेंगे आगे अरेस्ट। अभी दो लोग हम कस्टडी में है, वो दो लोग कस्टडी में है, अरेस्ट नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म का सबूत आया, मेडिकल रिपोर्ट में वो पुष्टि है। आगे उनसे बात करके हम क्या क्या है पूरे बोले। पुष्टि गैंग रेप की है क्या है? नो, रेप का है, फिर लड़की से बात करेंगे वो।